नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता हुए हैं। 4 समझौते और ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये समझौता ज्ञापन डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र तथा शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर केंद्रित है। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की शीर्ष कंपनियों के सीईओज से मुलाकात की और भारत में निवेश करने की अपील की। बता दें कि व्यापार और निवेश के लिहाज से प्रधानमंत्री का सिंगापुर का दौरा अहम है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। सिंगापुर दुनिया में भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ऐसे में भारत के अंदर आने वाले विदेशी निवेश जो होता है उसमें एक बड़ा स्रोत सिंगापुर भी है। यहां एविएशन सेक्टर के लोग हैं, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है, और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है। और इसलिए मैं चाहूंगा, अब जैसे सिंगापुर एयरलाइन का कहना है कि हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए नए एयरपोर्ट के मैदान, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो हम एक उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहां एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं, हम कम पड़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज खुशी की खबर तो है ही, एयर इंडिया का आपके साथ यहां मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है जी। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं तो उसके लिए भी अवकाश है। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है, मेरे यहां पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, उसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहां 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है, और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है, कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है।
रूस ने भारत को यूक्रेन शांति पर युद्ध पर शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया है। भारत की भूमिका मौजूदा हालातों में ये न सिर्फ अहम है बल्कि कूटनीति की कई चुनौतियों से भरी है। भारत को रूस के साथ अपने नजदीकी रिश्तों की संवेदनशीलता को भी बरकरार रखना होगा और निष्पक्ष भी रहना होगा। भारत के साथ चीन और ब्रिक्स के चार और देश शांति वार्ता में शामिल होंगे। इनसे भी सामंजस्य बनाने की जरूरत होगी और रूस यूक्रेन के चार इलाकों पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता और यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता। ये बड़ी समस्या रहेगी। वही सवाल ये भी है कि क्या शांति वार्ता क्या रूस का गेम प्लान तो नहीं है जिससे वह अपने कमजोर होती स्थिति को मजबूत करना चाहता है। वहीं यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रूस रोकना चाहता है। ये रूस और चीन के लिए फायदे की बात हो सकती है। यूक्रेन के लिए नहीं, रूस पर प्रतिबंधों की मार है, वह इसे भी खत्म करना चाहता है। भारत के लिए ये मौका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना वजूद बनाने का है, लेकिन इसके लिए कूटनीति का सहारा बेहद जरूरी है। रूस ने भारत शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए आमंत्रित करके एक बड़ी पहल की है। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने ब्रिक्स देशों से उम्मीद जताई है कि वो शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम कर सकते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। पुतिन ने कहा कि युद्ध के पहले हफ्ते में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे कभी लागू नहीं किया गया। उसी आधार पर बातचीत की जा सकती है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी रूस और यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं और युद्ध को अस्वीकार्य बता चुके हैं। अमेरिका भी कई बार इस बात को दोहरा चुका है, भारत चाहे तो युद्ध रुक सकता है। रूसी सेना के खराब प्रदर्शन को देखते हुए पुतिन अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं। मुश्किल ये है कि शांति की बात करते वक्त पुतिन ने ये भी कहा कि रूस का पहला उद्देश्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को कब्जे में लाना है। इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए दो शर्तें रखी थीं। पहली, यूक्रेन को दोनेत्सक, लुहानसक, खेरसोन और जापोर्जिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। दूसरी, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन संकट पर बैठक में घोषणा पत्र में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और उसके खिलाफ किसी भी परमाणु धमकी को साफ तौर पर नामंजूर किया गया है। उधर पुतिन यूक्रेन की शर्तों पर शांति के लिए तैयार नहीं है। पुतिन जिन चार इलाकों से यूक्रेन को पीछे हटने के लिए कह रहा है उस पर रूस का आशिंक कब्जा है। वैसे जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि यूक्रेन की आजादी, संप्रभुता का, क्षेत्रीय अखंडता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इन हालातों में सवाल ये है कि शांति संधि कैसे होगी। रूस यूक्रेन क्या अपने पक्ष में नरमियत बरतेंगे? क्या शांति वार्ता रूस की अपने हालात दुरुस्त करने की चाल तो नहीं? चीन का समझौते में शामिल होना भारत के लिए अडंगा तो नहीं खड़ा करेगा? भारत के लिए शांति वार्ता क्या चुनौतियां लाएगा? ये तमाम सवाल अपने जवाब मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि लूटकांड के अन्य आरोपियों के तो पैर में गोली मारी गई, लेकिन आज सुबह जिस मंगेश यादव की पुलिस से मुठभेड़ हुई उसकी जान ले ली गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जाति देखकर जान ली गई है। सपा मुखिया ने अपने लंबे चौड़े एक्स पोस्ट में लिखा, लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि उसकी जाति देखकर जान ले ली गई है और उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई। क्या कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनके इस बयान पर पलटवार किया। राजभर ने कहा कि अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस उसे माला नहीं पहनाएगी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं के यात्रा के दौरान हरा गमछा पहनने पर बैन लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जब वह 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलेंगे तो वह इस दौरान उनके कार्यक्रमों या सभाओं में कोई भी आरजेडी का नेता या कार्यकर्ता हरे रंग का गमछा नहीं पहने। तेजस्वी ने कहा है कि हरे रंग का गमछे के बदले आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हरे रंग की टोपी पहने और बैच लगाए और उनके कार्यक्रम में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को इस बात का फीडबैक मिला है कि जब वह खुद अपनी यात्रा के दौरान कई बार हरे रंग का गमछा पहनते हैं या फिर उस गमछे को हवा में लहराते हैं और फिर गमछे से मुरेठा बांधकर पहन लेते हैं तो इसका जनता के बीच नकारात्मक का संदेश जाता है जो कहीं ना कहीं लफुआगिरी का प्रतीक बन जाता है। जानकारों की माने तो इसी कारण से तेजस्वी यादव ने आगामी अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा में हरे रंग का गमछा पहनने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। झारखंड की बेटियों को अब 18 साल के होते ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम स्थित प्रशिक्षण स्थल खोजा टोली मैदान से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच सम्मान राशि वितरण के दौरान ये घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सबसे पहले हमने 50 वर्षीय से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा घटाई है, जिसके बाद हमने महिला बहनों के लिए मैया योजना शुरू की है। सीएम ने कहा कि योजना के तहत फिलहाल 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, जिसे घटाकर 18 वर्ष किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से 70,49,27,000 रुपए जारी किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत फिलहाल 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 48 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब आयु सीमा कम करने से करीब 15 लाख अतिरिक्त लाभार्थी हो जाएंगे। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो रांची के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम सोरेन ने मैया सम्मान राशि वितरण के लिए बच्चों की पढ़ाई बाधित करा दी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यक्रम के नाम पर स्कूल बसों को जब्त किए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि घर के बच्चे जब स्कूल नहीं गए तो उन्होंने छुट्टी का कारण पूछा। जवाब मिला कि स्कूल की बसों को मैया सम्मान राशि के लिए लगाया गया। ये तो हद है कि ऑनलाइन योजना चलाने के लिए शानदार सिस्टम आ गए। मुख्यमंत्री चाहते तो घर बैठे एक बटन दबाकर राशि ट्रांसफर कर सकते थे, लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाते, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके कार्यक्रम के नाम पर जो तरीका अपनाया गया वह कहीं से भी उचित नहीं है। महतो ने कहा है कि सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी रोजगार के प्रति गंभीर नहीं रही। नए पदों का सृजन करने की बात तो दूर, ये सरकार रिक्त पदों को भी भर नहीं पाई है। आज राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वर्तमान राजनीतिक हालात ने राज्य की छवि को धूमिल कर दिया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी तैयारी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को भोजपुर जिला में कई विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा के जीरो माइल में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने मास्टर प्लान के जरिए निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल का भवन भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राजकीय अस्पताल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2025 से पहले पूर्ण करें। अधिकारी निर्माण कार्य की सतत निगरानी करते रहें ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। इस अस्पताल का निर्माण पूरा होने से इस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सेवा में और सहूलियत मिल सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले में कुल 41,63,86,000 रूपये की योजनाओं का उद्घाटन किया और 62,66,57,650 रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभ अभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों वर्ष पहले श्री राम लंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी जहां आज रामेश्वर स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतु बंध का भी निर्माण हुआ था, एक मान्यता है। और ये भी है कि भगवान जब सीता को लेकर वापस आ रहे थे तो माता सीता ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। संपूर्ण भारत एक है, ये आध्यात्मिक परंपरा आगे बढ़ रही है। अयोध्या में रामनाथ स्वामी का मंदिर बन गया। मत संप्रदाय पंथ की उपासना विधि की अनेकता के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। इससे पहले मोदी जी की प्रेरणा से काशी तमिल संगम के 2 संस्करण हो चुके हैं और काशी के बाद अयोध्या धाम भी तमिलनाडु से जुड़ चुका है। कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों हजार वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में बयान दिया है और अब गुरुवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन के लिए वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया। उधर संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां पर आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब संजौली में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हुए हैं। प्रदर्शन यहां पर किया गया, यहां पर हिंदू संगठनों के लोगों ने संजौली चौक से ढली टनल तक रोष मार्च निकाला। जानकारी के अनुसार संजौली में बाजार के ठीक साथ में ये मस्जिद बनाई गई है। इसके दो मंजिले अवैध हैं और ऐसे में इन्हें तोड़ने की मांग भी की जा रही है। बीते रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की है। अतिरिक्त बटालियन शिमला पुलिस के SP की तरफ से मांगी गई थी। वहीं अब पूरे विवाद को लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया है। CM ने कहा है कि किसी भी मंत्री ने गलत बयान नहीं दिया है। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान हैं और प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है और जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री ने भी बयान दिया है कि जो हिमाचल आएगा, जो यहां रह रहे हैं, सभी कानून से बंधे हुए हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। इसमें सारा हिंदू समाज, जो हमारा सनातनी समाज है, सब इसमें एकत्रित है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का लेना देना नहीं है। इसमें पूरा हिंदू समाज एक साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। कारण ये है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे फसाद करे। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रहेंगे आ रहे उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग उनको, हमारे CM साहब को बोलिए, हमारे मंत्रियों को बोलिए। वैसे हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे CM साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा है कि अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है, तो प्रतिपक्ष भी इस पर स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय है हिमाचल की जनता ने, समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाया जाना है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली के हेड मुफ्ती मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी के एक फतवे ने हलचल मचा दी है। उन्होंने फतवा जारी करके कहा है कि आजकल कुछ मुस्लिम नौजवान धार्मिक जुलूसों जैसे जुलूस मोहम्मदी और उर्स के दिनों में DJ का खूब इस्तेमाल करते हैं और DJ के गाने बाजे पर नौजवान डांस भी करते है। ये तमाम कार्य शरीयत की नजर में नाजायज और हराम है। ये फतवा जिला बहराइच के गांव सैदापुर निवासी निहाल रजा अंसारी के दारुल इफ्ता से पूछे गए सवाल पर दिया गया है। फतवे में कहा गया है कि शरीयत ने गाने बाजे और डांस वाली चीजों को शैतानी अमल बताया। मजहबी जुलूसों में DJ की आवाज पर थिरकने, रुमाल हवा में लहराने, हुल्लड़बाजी का चलन बढ़ता जा रहा है जो सख्त हराम और नजायज है। आजकल मुस्लिम नौजवान बहुत लहव लईब में मुलव्विस हैं और गैर शरई काम अंजाम दे रहे हैं। औलिया कराम के उर्सों में, सूफिया के उर्सों में DJ और गाना बाजे का इस्तेमाल, और अब 16 सितंबर को इंशाल्लाह
12 रबीउल अव्वल शरीफ है और उस दिन जुलूस मुहम्मदी पूरी दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में निकाला जाएगा। हर शहर हर गांव में जुलूस मुहम्मदी निकाला जाएगा। ये पाकीज़ा दिन, इस पाकीज़ा दिन पाकीज़ा जुलूस में भी नौजवान डीजे लेकर के आते हैं और डीजे की आवाज़ पर। प्रतापगढ़ में दर्जन भर दबंगों पर डॉक्टर के घर में घुसकर लूटपाट का आरोप लगा है और घर में हो रही पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। करीब 4.5 लाख रुपए यानी कि 4.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2,70,000 रुपए लूटने का आरोप भी लगा है। बताया भी जा रहा है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। पीड़ित डॉक्टर ने मामले में एसपी से शिकायत की है और न्याय की गुहार भी लगाई है। ये घटना 29 अगस्त की बताई जा रही है। मामला रानीगंज इलाके के सराय रतऊ गांव का बताया जा रहा है। यूपी के जनपद चंदौली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि बिहार के बॉर्डर से सटे हुए इस जनपद में गौ तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी का गोरख धंधा लगातार सामने आता रहता है और बाल तस्करी से जुड़ा हुआ यह मामला महकमे के लिए किरकिरी साबित हो रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंड्या गांव का है। यहां पति पत्नी पर अपने ही संतान को सौदा करके बेचने का बड़ा आरोप लगा है। हालांकि एसपी चंदौली के निर्देश पर जांच पड़ताल का दौर भी जारी है और आपको बता दें कि यह मामला तब उजागर हुआ जब पंड्या गांव की रहने वाली महिला चंद्रतारा देवी अपनी देवरानी अनीता देवी और उसके पति संदीप पर अपने बच्चे के बेचने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र लेकर सदर कोतवाली पहुंची। हालांकि इस दौरान महिला चंद्रतारा देवी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे सदर थाने पर जबरन बैठा दिया गया और कहा गया कि उसका बच्चा है, चाहे बेचे या कुछ करे, तुमसे क्या मतलब। हालांकि पूरे प्रकरण की सूचना पर ग्राम स्वराज समिति के लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर महिला का सहयोग किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।